स्नेहल प्रधान, आपने अपनी जिंदगी और करियर में काफी चुनौतियों का सामना किया होगा, लेकिन आज जो चुनौती मैं आपके सामने रखने वाला हूँ उससे बड़ी चुनौती शायद ही आपने कभी जिंदगी में फेस की होगी। ऐसी कौन सी चुनौती है? आपको नाम बताने हैं, पूरा नाम ऑफ द करंट श्रीलंकन टीम के सारे प्लेयर। अब एक चीज मुझे याद है कि उनके टीम में दो परेरा, दो मेंडिस और दो कुशल है। अब वो कॉम्बिनेशन अभी मुझे जिग्सो पजल लगाना है। हाँ। कुशल परेरा, खिसारा परेरा, कुशल मेंडिस, जीवन मेंडिस। कुशल तो दो हो गए और फिर लहिरू थ्री मने कुशल, कुशल दो है पर उनकी टीम वैसे ज्यादा कुशल मंगल नहीं चल रही है। फिलहाल तो हालत खराब है। कैप्टन दिमुत करुणा रत्ने, अब इजी वाले है लसित मलिंगा, वैंडर से भी याद है एंजेलो मैथ्यू कैसे भूल सकती है। एज अ कॉमेंटेटर बहुत प्रिपरेशन करना पड़ता है श्रीलंकन टीम के लिए, ऑन फील्ड चीजों के बारे में और ऑफ फील्ड भी। उनकी टीम कैप्टन है ना, वो खुद जब उनको बुलाना पड़ता है अपने फील्डर्स को कभी कभी भूल जाते हैं। देयर टफ नेम्स, आई मीन आई डोंट ब्लेम यू, बिल्कुल, बट वेल डन स्नेहा। थैंक यू। अब बढ़ते हैं हम अपने आखिरी पड़ाव पर। क्या आप तैयार हैं? श्रीलंकन फास्ट बॉलिंग लेजेंड शमिंदा वास का पूरा नाम बताइए। ये पता है मुझे क्योंकि ये स्कूल में एक रनिंग जोक था। हां, रनिंग बिकॉज़ ही वाज अ फास्ट बॉलर। और उनके नाम में आपका नाम भी है। क्या बात कर रही है? वर्णकुल सूर्य पटपिंडिके उशंत जोसेफ चमिंदावास। ओके, नाउ से दैट फास्ट। वर्णकुल सूर्य पटपिंडिके उशंत जोसेफ चमिंदावास। ओके, नाउ कीप सेइंग। वर्णकुल सूर्य पटपिंडिके उशंत जोसेफ चमिंदावास। वर्णकुल सूर्य पटपिंडिके उशंत जोसेफ। म्यूजिक वेल डन। पारति पपति ते पारति पपति ते पारति पपति ते तातरा। Hello and welcome to the Ulta, Fullta cricket show. आज का मैच India versus Sri Lanka. Snehal, कभी कभी मेरे दिल में। अच्छे गाते हो यार आप। Oh, thank you. शुक्रिया, शुक्रिया. ख्याल आता है कि ये मैच खेला क्यों जा रहा है? I mean, हम क्यों देखें? India has already qualified for the semi-finals. Sri Lanka has qualified for the flight back home. What is the point of this match? Simple बात है. हाँ. वर्ल्ड कप के वार्म अप मैचेस भी ब्रॉडकास्ट करते हैं और सब लोग देखते हैं। right. तो बस इसे सेमीफाइनल का वार्म अप मैच समझो। और एक और पॉइंट है, मैं सोचता हूँ कि ऑफ कोर्स इस मैच में हम अपना फेवरेट गेम उल्टा फुल्टा भी खेल सकते हैं। बिल्कुल। हाँ? और फ्लिपकार्ट के वाउचर्स भी जीत सकते हैं। वेल डन, इन्होंने स्पॉन्सर की सारी लाइनें याद रख ली। करेक्ट। जैसा कि हम सब जानते हैं, इंडिया पहुंच चुकी है इस वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में, सिर्फ दो मैच दूर है अपना तीसरा वर्ल्ड कप जीतने से, तो इस जर्नी का हर मैच तो देखना बनता ही है ना। बिल्कुल, मतलब इंडियन टीम विराट कोहली अगर सांस भी लेते हैं ना तो पूरी दुनिया देखती है, तो जब वो खेलेंगे देखना तो पड़ेगा। पर मैं आपसे पूछना चाहता था, शायद ये मैच वो भी हो सकता है जिसमें वर्ल्ड कप के इतिहास में पहली बार एक बैट्समैन 5 शतक जड़े। ऑफ कोर्स आवर ओन हिटमैन रोहित शर्मा। क्या वर्ल्ड कप रहा है उनके लिए। आई नो, ब्रिलियंट हिटमैन भी है और आई सपोज कह सकते हैं कि लकमैन भी है, क्योंकि काफी बार हमने देखा है कि लो स्कोर पे उनके कैचेस छूटे हैं और वो ऑलमोस्ट तय ही हो गया। हर मैच में सिंगल डिजिट में उनका कैच छूटा और उन्होंने सेंचुरी बनाई। नेहल, ये वो मैच भी हो सकता है जिसमें विराट कोहली इस वर्ल्ड कप में अपना पहला शतक बनाए। 7 इनिंग्स, 550s। मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लग रहा है कि उनके लीग फेज में एक भी 100 नहीं है। मैं उल्टा चाहती हूँ कि वो ये भी मैच भी। में भी, क्योंकि फिर वो सेमीफाइनल में जो हंगर रहेगी ना, नथिंग विल बी एबल टू स्टॉप दैट। ओके, सो विराट कोहली वर्सेस रोहित शर्मा। रोहित शर्मा ग्रेटेस्ट बैट्समैन, ग्रेटेस्ट वनडे बैट्समैन की रेस में ज्यादा दूर नहीं है, फिर भी विराट कोहली को अक्सर कहा जाता है ही इज द ग्रेटेस्ट मॉडर्न डे। Do you think that's a fair thing now to say, now that Rohit Sharma, when you look at the records, has another story? Rohit Sharma ki story ye hai, bilkul. Rohit Sharma ki story is also about the times where he doesn't perform. मतलब रोहित शर्मा जब खेलते हैं तो बहुत बड़ा स्कोर लगाते हैं, 100 के बाद सब लोग कहते हैं कि 200 बिल्कुल पॉसिबल है, आज 200 ऑन है, मगर काफी बार ऐसे होता है कि जो बीच वाले स्कोर्स है ना वो लो स्कोर्स होता है। विराट कोहली के जो कंसिस्टेंसी है और दूसरी चीज डोमिनेंस, मतलब स्पेशली उनका चेसिंग रिकॉर्ड, स्पेशली उनका विनिंग कॉजेज में नंबर ऑफ सेंचुरीज अगर देखा जाए ना, और तीसरी चीज है उनका ऑल फॉर्मेट परफॉर्मेंस। बिल्कुल रोहित शर्मा, दैट्स अ नो कॉन्टेस्ट। बिल्कुल रोहित शर्मा वन डेज में वन ऑफ द टॉप ओपनर्स में गिने जाएंगे, वर्ल्ड कप में तो बिल्कुल ही, मगर अगर तीनों फॉर्मेट गिने तो विराट कोहली इज ऑन टॉप। एक्चुअली इफ यू लुक एट इट, शर्मा जी की हमारी कितनी शतकें जड़ी, उन्होंने 26 हो गई एंड कोहली हैज 25 इन चेजेस अलोन। इनफैक्ट तेंदुलकर और कोहली के कंपैरिजन में भी यही स्टैट यूज किया जाता है कि कोहली के चेसिंग विनिंग चेसेस में कितने ज्यादा हंड्रेड्स है।
It's just brilliant. If you look at life and cricket and Ulta Fullta, we are always biased, slightly biased towards batsmen. The funny thing is, all our amazing guests we have on the show, you, there's Ajit Bhai, there is Irfan Bhai, are all world-class bowlers. And we never speak about them. Finally, kaun kaam aata hai aapke? Bowlers hi. Bowlers hi to aate hai aur bowlers se mujhe yaad aata hai. Jasprit Bumrah, guys. Jasprit Bumrah blows my mind. I mean, blows everybody's mind. Ek poll aaya tha Twitter pe ki kaun sa player India ke liye zyada valuable hai? Virat Kohli ya Jasprit Bumrah? Socho. कौन आया होगा, कौन जीता होगा? I can imagine. बुमराह, ठीक है, आप सब लोग कह रहे हैं बुमराह, कितने परसेंट से 80-20? और बुमराह की सबसे अच्छी बात मुझे लगती है कि वो बिल्कुल effortlessly बॉलिंग डालते हैं. तीन स्टेप चल के आराम से, फिर थोड़ा बहुत मन कर लिया तो जॉग करते हैं, फिर चार पांच कदम लेके ना उनका जो फटाक से फ्री की बॉलिंग एक्शन है, it looks like a walk in the park and then he bowls these amazing yorkers and 140 plus. Yeah. और ऐसे लगता है कि वो वीडियो गेम खेल रहे हैं, उस हिसाब से वो टारगेट वहां बना के यॉर्कर डालते हैं, और वीडियो गेम ऐसा जिसमें वही हीरो हो, वही कंट्रोल, उन्होंने ही लिखा है स्क्रिप्ट. ये मैच मुझे लगता है इसलिए भी देखना बनता है क्योंकि पता तो चले कि इस मैच में इंडिया के स्क्वाड में कौन सा नया प्लेयर आएगा, कौन सा प्लेयर वापस घर जा रहा है, कौन सा नया स्टैंड बाय ऑप्शन आ रहा है, कैसा होगा टीम का इंटेंट. इंटेंट से कुछ याद आ रहा है आपको? विराट कोहली ना विजय शंकर के इंटेंट के साथ बहुत खुश थे, बहुत खुश थे. मगर अगले मैच में समहाउ उनका टो इंजर हो गया, फिर वो ड्रिंक्स भाग रहे थे. ड्रिंक्स लेके आए, बट दैट्स अ वेरी हार्ड वर्किंग क्रिकेटर, आई मस्ट. बिल्कुल, फिर वो इतने हार्ड वर्किंग थे कि भागते भागते अनफॉर्चुनेटली उनको इंडिया जाना पड़ा, और उनके बदले आए ऋषभ पंत, फिर अभी वापस आए हैं मयंक अग्रवाल. मगर अच्छा मूव है क्योंकि आई थिंक मयंक अग्रवाल अगर आए टीम में तो वो आएंगे ओपनिंग पोजिशन पे और राहुल जाएंगे नंबर 4 पे. आपको लगता है ऐसा होगा? बड़ा कॉल है. हाँ, होगा. और मयंक आई थिंक विल एंजॉय इंग्लैंड. एक स्टोरी मैंने पढ़ी थी ट्विटर पे कि लास्ट ईयर इंग्लैंड में जब थे वो, तब उन्होंने उनके गर्लफ्रेंड को लंदन आए के एक कैप्सूल में प्रपोज किया था. तो हैप्पी मेमोरीज, हैप्पी वाइब्स, फर्क पड़ता है. आर दे स्टिल सीइंग ईच अदर? दे मैरिड. ओह लवली यार. हम मैच की बात कर रहे हैं, रिप्लेसमेंट्स की बात कर रहे हैं. आई थिंक कहीं ना कहीं वी नीड टू टॉक अबाउट समथिंग व्हिच हैज हैपेंड वेरी रिसेंटली. अंबाती रायडू, राइट? ही हैज अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट फ्रॉम ऑल फॉर्म्स ऑफ क्रिकेट, इंटरनेशनल क्रिकेट. And he was on the standby for the Indian team. कहीं ना कहीं हम सबको लगता है कि you know it might have been a little unfair कि आप you know you overlook the standbys and you go and get somebody who is not even in the standby list. There was also Ajinkya Rahane who is playing in English conditions right now. I mean these are two players who have done well and Ambati Raidu का अगर आप record देखें New Zealand के खिलाफ जो start of the year phenomenal. It is. What do you feel about this? Harsh. पर ये स्पोर्ट है, मतलब स्पोर्ट में हम सब लोग सोचते हैं अंबाती रायडू इज 33 इयर्स ओल्ड. उन्होंने सोचा होगा वर्ल्ड कप के बाद रिटायर होगा, मस्त T20 टूर्नामेंट्स खेलेगा, स्क्रिप्ट मन में बना के रखा है सबने. हाँ, मगर ये स्पोर्ट है, यहाँ पे कोई स्क्रिप्ट नहीं है. अगर देखा जाए तो उन्होंने भी कभी वो नंबर 4 के स्पॉट पे कब्जा नहीं किया. स्नेहल 55 ODIs he's played, he's got an average of 47. हाँ. और क्या करे बंदा? अगर आप वो 55 ODIs एनालाइज करें, हाँ. तो अगेंस्ट टॉप 4 टीम्स, right. उनका एवरेज ड्रॉप हो जाता है. सो यही सोच के आई थिंक इंडियन टीम ने थोड़ा बहुत एक्सपेरिमेंट किया होगा. इट्स नॉट आइडियल, इट्स नॉट गुड प्लानिंग. अब आते हैं हम, लेट्स डिस्कस द मैच व्हिच इज अहेड. आई नो नो वन इज बीन स्पीकिंग अबाउट इंडिया वर्सेस श्रीलंका, बट लेट्स डिस्कस इट. ओके, श्रीलंका वो टीम है जिसने इंडिया के साथ मैक्सिमम ODIs खेले. वी प्लेड अबाउट 158 मैचेस. मतलब एक टाइम ऐसा था कि खाली है वीकेंड में, क्या करो, चलो चलो ज्यादा श्रीलंका एक सीरीज खेल के आते हैं. हम बाजू में ही तो है, वो तो ना मोहल्ले की राइवल क्रिकेट टीम होती है ना. दिस इज दैट सॉर्ट ऑफ अ राइवलरी इफ यू कैन कॉल इट नाउ वी हैड. व्हाट हैज बीन योर मेमोरी ऑफ यू नो देयर बीन सच एपिक एनकाउंटर्स? आई मीन 1996 का वो सेमीफाइनल, नेक्स्ट 2007 का वर्ल्ड कप का वो ग्रुप एनकाउंटर जिसमें बात ही नहीं करते हैं, एंड 2011 का वर्ल्ड कप फाइनल. 96 क्योंकि अराउंड मिड 90s में मेरी क्रिकेटिंग मेमोरी याद आ जाती है, शुरू हो जाती है. सेमीफाइनल में सचिन ने ही वो पारी को संभाला. ईडन गार्डन्स कोलकाता, ईडन गार्डन्स ऑन फायर, मतलब पहले ऑन द पिच लिटरली ऑन फायर और फिर लिटरली आग, और वो विनोद कामली के विजुअल्स, दैट वाज हार्टब्रेकिंग. इट वाज. हां, मुझे याद है मैं 96 का वर्ल्ड कप था, आई वाज इन माय 6th और 7th स्टैंडर्ड, और स्कूल में पहली बार मैं, हम लोग स्कूल में थे, श्रीलंका वाज बैटिंग, वी वर अलाउड टू वॉच इंडिया प्लेइंग सेमीफाइनल्स, यू नो वी वर अलाउड टू वॉच श्रीलंकंस प्ले, एंड जयसूर्या गॉट आउट चीपली, द ओपनर्स वेंट चीपली, वी थॉट ये मैच तो अपना है. You know, but then I came back home, school got over and we started watching the second half and just seeing
India go down from, we were about 98 for 2 and then Sachin got out later. That was the first time I cried while watching a match, and then you realize that no one spoke at home. But then 2011, World Cup final, we avenged it. Yes. Any memories of that? Lots of memories of that. Wo ek aisa match tha jab Indian team जो हाई पे थी ना जी, सोच भी नहीं सकते थे कि श्रीलंका कंपटीशन देंगे. श्रीलंका के प्लेयर्स भी उस टाइम पे एट द टॉप ऑफ द गेम, संगकारा, जयवर्धने, मलिंगा, मुरली, कड़क टीम थी. अगर इंडियन टीम जिस फॉर्म में चल रही थी वैसे लग रहा था वी हैव गॉट दिस. फिर श्रीलंका डालते हैं 274 बोर्ड पे, इट इज अ प्रीटी गुड टारगेट. कम हमने देखा है कि वर्ल्ड कप में आप सेंचुरी बना के लूजिंग साइड पे रह जाते हो, बट दैट चेस, ओ माय गॉड. स्नेहल, श्रीलंकन क्रिकेट टीम ने भी क्या लेजेंड्स दिए गेम को, राइट? फ्रॉम रानातुंगा टू डिसिल्वा, जयसूर्या टू महानामा, संगा, चमिंदावास, मुरलीधरन, आई मीन द लिस्ट गोज ऑन. बट नाउ इफ यू लुक एट द करंट टीम, कहीं ना कहीं एक जो वेस्ट इंडीज में ट्रेंड चला आ रहा है, यू नो द ग्रेट्स टू टुडे, आपको लग रहा था इट्स अ कंपैरिजन एंड यू नो इट्स नॉट व्हाट इट यूज्ड टू बी? श्रीलंकन क्रिकेट टीम ना मतलब वेस्ट इंडीज से ज्यादा पाकिस्तान से बोरो करती है. जो केओस वाला फैक्टर है कि आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हो कि इस टीम का कैप्टन कल कौन बनेगा और इस टीम में कल तक कौन रहेगा. ऐसे कुछ प्लेयर्स पिछले कुछ 6 महीने में अलग अलग कैप्टन्स रहे. उनके मलिंगा कैप्टन थे, उससे पहले एंजेलो मैथ्यूज कैप्टन थे, अब दिमुत करुणारत्ने, जिन्होंने ओडियाज में कभी कैप्टनसी की नहीं, डायरेक्ट वर्ल्ड कप में आप कैप्टन बना रहे हो उनको. तो जब पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है ना जी, तो ऐसा होता है कहीं ना कहीं, और वो क्रिकेट पे उसका इफेक्ट दिखता है. हम शायद अफगानिस्तान के साथ भी यही चीज दिख रहे हैं, एंड इट्स सैड क्योंकि हमने इंग्लैंड वाला मैच देखा श्रीलंका का, जब आप 9th प्लेस हो, आपका ओडीआई रिकॉर्ड बकवास है पूरे साल में, लिटरली बकवास. How kind you are. It's unfortunately बकवास ही है उनका ओडीआई रिकॉर्ड, और आप टॉप रैंक्ड ओडीआई टीम को उन्हीं के कंडीशंस में फिर जाके डिफीट करते हो. हाँ. और ये वन ऑफ रिजल्ट होता तो हम उसको कहते कि बस फ्लूक था जी. यार इससे पहले श्रीलंका टेस्ट टीम ने साउथ अफ्रीका में जाके सीरीज जीते, साउथ अफ्रीका जहां भी अभी तक इंडिया अभी तक सीरीज जीते नहीं है. करेक्ट. सो इट इज जस्ट लाइक टीम जो केओटिक है, और कभी कभी वो केओस में ना सही अलाइनमेंट आ जाता है. हाँ. और एक आध रिजल्ट ऐसे निकल जाता है. तो चलिए अब आते हैं स्नेहल हमारे फेवरेट सेगमेंट में, योर्स इन माइंड ऑफ कोर्स, व्हिच इज द उल्टा फुल्टा सेगमेंट, राइट? हमें तकरीबन पता ही है कि इंडियन टीम में कौन खेलेगा, कौन नहीं खेलेगा, कौन आने वाला है, कौन नहीं आने वाला है. सो वी नो दैट. श्रीलंकन प्लेयर्स के नाम हमने रिवाइज कर लिए, राइट? सो आई हैव प्रिपेयर्ड यू फॉर दिस. सो नाउ वी आर गोना गेट स्ट्रेट टू योर टॉप 5 फुल्टा प्लेयर्स एंड योर उल्टा प्लेयर्स. ओके, मेरे फुल्टा 5 टीम में पिक करूंगी मैं इंडियंस को. सच अ टफ चॉइस दैट मस्ट हैव बीन. नो नो रोहित शर्मा. नो रोहित शर्मा. नो रोहित शर्मा. नहीं, आई डोंट थिंक हम 500 इस मैच में देखेंगे. लॉ ऑफ एवरेजेस कैच अप करेगा उनके साथ. मगर मैं जाऊंगी केएल राहुल के साथ. ही इज ड्यू फॉर अ बिग वन. ही इज ड्यू. और विराट कोहली. ओके, विराट कोहली रहेंगे मेरे कैप्टन. विराट कोहली तो हमेशा ही आपके फुल्टा में रहते हैं, हम सबके फुल्टा में रहते हैं. वो एक फिक्स प्लेयर आप बना दो, उनको ब्रांड एम्बेसडर लगा दो. करेक्ट, डन. बोलर्स में मोहम्मद शमी. ओके, अच्छे फॉर्म में है. और युजवेंद्र चहल. वेरी इंटरेस्टिंग पिक्स. यू हैवंट गॉट अ बुमराह देयर, यू हैवंट गॉट अ भूवी देयर. यस. एंड शमी हैज बीन लीडिंग रन्स इन द डेथ ओवर्स. पर रन्स का यहाँ पे ज्यादा वैल्यू विकेट्स का है, क्योंकि बुमराह को सब लोग थोड़े संभाल के खेल रहे हैं. हाँ. सब लोग सोच रहे हैं कि इसे विकेट नहीं देना है. पिछले मैच में 4 विकेट लिए थे. लिए थे बिल्कुल. हाँ. मगर बाकी सारे टीम्स थोड़े से संभाल रहे हैं. करेक्ट. एंड ऑलराउंडर पंड्या. उल्टा 5, कम. उल्टा 5 के लिए मैं एज अ ऑलराउंडर पिक करूंगी एंजेलो मैथ्यूज. बोलिंग साइड मैं पिक करूंगी प्रदीप को. ओके. उनके ज्यादातर बोलर्स ऑलराउंडर्स काउंटेड हैं. हां. सो लेट्स गो विद जेफरी वैंडर से, और करुणारत्ने, और फर्नांडो, जिन्होंने हाँ लास्ट मैच में अच्छा किया, पर आई थिंक अगेन लॉ ऑफ एवरेजेस. अब मैं बुलाना चाहूंगा हमारे सुपर फैंस को आपको चैलेंज करने के लिए. छोड़ दे यार. सो नाइस.
I really always hoped that someone would hold my hand for so long. My wife also doesn't hold my hand for so long nowadays. But welcome to Ulta Fullta. Welcome. You're also a sports person. You play? Football, yeah. So you play football for? Started with playing for my school and then Maharashtra. Aaj hum aap dono se poochne wale hain aapke Fullta aur Ulta picks. Are you ready, Agne? I'm ready. Chaliye. Mere pehle choice the Rohit Sharma, who is also the captain of my team. Second choice is Virat Kohli. Ye potential hai. He's not playing. तुमने कहा विराट कोहली में potential है. सुन तो लो. Please go ahead. Go on, yeah. Go on. So he's not been hitting centuries so far, but he's not playing terrible either. He's been correct. Hitting 50s, 60s, quite which is, consistent. Which is quite terrible for him. Terrible for him, but good enough for me making a Fullta team. हाँ. So हाँ, तो वैसे तो चल जाएगा. But तुमने उसकी potential recognize की, well done. So अब bowlers पे आते हैं. I picked Jasprit Bumrah again. Okay. No brainer there. My second choice for Fullta was Mohammad Shami. He's been taking around 2-3 wicket to har match mein le hi rahe hain. So 2-3 क्या matches देख रहे हो? 4-4-5-1 जितने लेंगे और उतना अच्छा. And the last my all rounder is again a no brainer, Hardik Pandya. वो bowl, his bowling has greatly improved, I've been noticing, और batting भी वो end में बहुत सही करता है. Excellent. चलिए तो अभी सौम्या से पूछते हैं आपकी, because your Fullta 5 was the same. Exactly. So what is your Ulta 5? My first one, the batsman will be the Kedar Jadhav, क्योंकि वो middle order में आ रहे हैं और लाइक नॉर्मली लाइक जैसे लेके चलना चाहिए टीम को वैसे नहीं चल रहा, बट एकदम नॉर्मल चल रहा. लास्ट टाइम भी कि जैसे जीतना धोनी के साथ थे फिर भी लाइक नॉर्मली चल रहा था मैच, बट लाइक वो फ्लो में जाना चाहिए. अगर एक एंड शांत है तो एक एंड को करना चाहिए, हिट करना चाहिए. हां, बट ही वाज नॉट डूइंग दैट. आपको लगता है उन्हें मैच मिलेगा? मे बी ट्राई दे दें, सेमीफाइनल के पहले दे दें. चलो. और सेकंड विल बी द कुशल मेंडिस, क्योंकि वो भी एकदम पूरी श्रीलंकन टीम जैसे एकदम नॉर्मल चल रही है, वो भी वैसे ही चल रहे एकदम. बॉलर्स में मेरे कुलदीप यादव, बिकॉज इंग्लैंड कंडीशन में स्पिनर को स्पिन नहीं मिल रहा पहले तो, लाइक फिर उसके हिसाब से आराम से हिट करें. लास्ट मैच ही इंग्लैंड के सामने बहुत मारा उनको, लाइक पूरे सारे के सारे सब लोग ने मारा उन्हें तो. फोर्थ विल बी कसुन राजिता. नॉट योर फॉल्ट, नो वन रिमेंबर्स, बट यस. देखो सेम लाइक रीजन भी सेम ही है, अच्छा नहीं चल रहे. हाँ. कोई नहीं अच्छा चल रहा है यार तुम्हारे हिसाब से सौम्या. है जो है वो Fullta टीम में पूरे. करेक्ट करेक्ट. एंड ऑलराउंडर एक कैप्टन एंजेलो मैथ्यूज. गुड पिक. हाँ. और स्ट्रेटेजिकली कैप्टन को ऑलराउंडर बनाया है. हाँ. क्योंकि एंजेलो मैथ्यूज ऑन पेपर ऑलराउंडर है. हाँ. मगर उन्होंने आई थिंक 2 ही ओवर डाले है पूरे वर्ल्ड. इंटरेस्टिंग. बैटिंग भी नहीं आ रही है. मैंने नोटिस किया आपने एक भी विकेट कीपर चूज नहीं किया अपनी टीम में. खास लगाव है ना विकेट कीपर्स. हाउ डू यू फील 3 विकेट कीपर खेल रहा है इस बार इंडिया के? चार. एक विराट कोहली को भी काउंट कर सकते क्योंकि उसने भी किया है कीपिंग. केएल एक बार किया था, धोनी बाहर गया था तो उसने किया था. धोनी बाहर गया था मतलब छुट्टी पे? नहीं तो वॉशरूम. नहीं मतलब क्या छुट्टी भी नहीं आ सकता धोनी? मैचेस के टाइम भी नहीं आते इतने हैं. ही वेंट फॉर वॉशरूम इन बिटवीन अ मैच. इन बिटवीन अ मैच लाइक सेम लाइक ऋषभ पंत डिड लास्ट मैच. You remember all these loop breaks, huh? Yeah. Well done. So there's also KL Rahul. Makes it 5 wicket keepers. Yeah. Excellent. Great choices, Soumya and Agne. Thank you so much for coming on Ulta Fullta. Keep playing. Keep challenging us, both of us. Yes, and sir. Keep winning, yeah? तो ये थे हमारे सुपर फैंस. आप भी लग जाइए इंडिया वर्सेस श्रीलंका के मैच के लिए अपनी उल्टा और फुल्टा टीम्स बनाने में, और दिल थाम के बैठिए क्योंकि इसके बाद सिर्फ 3 और मैचेस बचे हैं इस वर्ल्ड कप में. 2 सेमीफाइनल और 1 फाइनल. ये हम सब उम्मीद करेंगे कि इंडिया जितना बढ़िया खेल के यहाँ तक पहुंची है ठीक उसी तरह 14 जुलाई को भी उससे बढ़िया खेलकर द लास्ट टीम स्टैंडिंग रहेगी थर्ड वर्ल्ड कप. जो भी हो तो उल्टा फुल्टा क्रिकेट शो आपके साथ जरूर रहेगा. थैंक यू सो मच स्नेहल, इट इज बीन एन एब्सोल्यूट प्लेजर टू डू दिस विद यू. ये पार्टनरशिप लोग दुनिया भर जिंदगी भर याद रखेगी. यस. रखे ना रखे हम तो याद रखेंगे. बिल्कुल. फिर मिलेंगे बहुत जल्दी द ब्लॉकबस्टर सेमीफाइनल्स के लिए. तब तक खेलते रहिए उल्टा फुल्टा, जीते रहिए फ्लिपकार्ट और हार्ड रॉक कैफे के वाउचर्स, और चीयर करते रहिए टीम इंडिया के लिए क्योंकि अब तो बस वर्ल्ड कप फाइनल्स में खेलने की देरी है मेरे दोस्तों.